हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और हमारे जो यूनिट टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट सेकेंड होंगे, उसमें कौन सा चैप्टर आएगा? चैप्टर नंबर 3 आएगा और चैप्टर नंबर 4 आएगा। और जो यूनिट टेस्ट होंगे वो आपके 20 मार्क्स के होंगे। सभी जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको MCQs है उनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और ये जो यूनिट टेस्ट सेकेंड है ये 15 सेप्टेम्बर के बाद कभी भी हो सकते हैं और ये टेस्ट आपके ऑनलाइन होंगे, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरिजिन लाइज ऑन, जो ओरिजिन है वो कहाँ लाई करता है ये आपको बताना है। इसमें वाई एक्सिस, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नाइदर ऑन एक्स एक्सिस नोर ऑन वाई एक्सिस। तो पहले एक बार ओरिजिन को देख लेते हैं हम लोग। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइन होती है, कट करती है यहाँ पे, तो ये आपका ओरिजिन होता है। तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन होता है यहाँ पे O, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी आ गया और वाई एक्सिस के ऊपर भी आ गया, तो दोनों पे आ रहा है ये, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ये बी ऑप्शन सही रहेगा, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ओरिजिन जो है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और वाई एक्सिस के ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर आता है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। इसमें भी कोई ज़्यादा आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको बना के देख लेना है बस, ठीक है। अभी हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्लेन एक्स डैश ओ वाई डैश कंटेंस, तो इसमें भी हम लोग यहाँ से एक बार बना के देखते हैं। यहाँ से ये इस तरह से और ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी हम इसका जब पूरा वो लिखते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स डैक्स ओ और ये सॉरी ये एक्स आएगा, यहाँ पे वाई नहीं आएगा, इस एक्स ही आएगा, ये तो वाई हो गया ना, ठीक है। तो ये भी कैपिटल वाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये यहाँ पर वाई डैश आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से जो नेगेटिव साइड होती है ये क्या होती है, यहाँ पे नेगेटिव आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे इस पे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे नेगेटिव आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं, इस तरह से ये ऊपर पॉजिटिव चलते हैं और इधर नेगेटिव चलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या दे रखा है, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ और ये वाई डैश, तो ये वाला है ये, ठीक है, ये वाला एक्स डैश ओ वाई डैश। तो ये आपका क्या है, ये जैसे हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो द प्लेन एक्स डैश ओ वाई डैश कंटेंस, तो ये वाला हो गया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्स डैश ओ एक्स, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में डैश नहीं लगते हैं, नेगेटिव वाले में डैश लगाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है ना तो डैश लगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो डैश लगाया मैंने। तो ये इस तरह से पहचान होती है इसकी, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। द पॉइंट -47 लाइज इन द, तो ये जो है अभी ये माइनस और ये प्लस है, तो पहले नंबर पर माइनस का और दूसरे नंबर पर प्लस का, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, पहले नंबर पर माइनस का यहाँ पर, ठीक है, और दूसरे नंबर पे प्लस का तो यहाँ पे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है। तो ये नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि पहले नंबर पे माइनस और दूसरे नंबर पे प्लस। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें क्या होता है, ये प्लस प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है, पहला माइनस होता है और दूसरा प्लस होता ही है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही माइनस होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्लस आता है और फिर बाद में माइनस आता है, ये होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये वाला नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द पॉइंट 0 -5, तो पहले नंबर पर अगर 0 है तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, या तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा। तो पहले नंबर पर 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह से कोई नंबर है आपका, ये ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, यानी पहले नंबर पे अगर 0 है और दूसरे नंबर पे नॉन जीरो है, तो कहाँ लाई करता है, वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसमें ऑप्शन सी है वो सही रहेगा। अगर आपका पहले नंबर पर 0 है और दूसरे नंबर पर 0 नहीं है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वो ऑन द वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट, जैसे एक ये है,
एक्स है और आपका ये जीरो है। अगर दूसरे नंबर पे जीरो है और पहले नंबर पे जीरो नहीं है तो ये आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो ये वाली आपको पहचान रखनी है। ये दोनों किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आता है दूसरे नंबर पर कोई नॉन जीरो नंबर है, पहले नंबर पे जीरो है तो ये वाई एक्सिस पे, और इस तरह से पहले नंबर पे नॉन जीरो और दूसरे नंबर पे जीरो है तो क्या किस पे आएगा, ये एक्स एक्सिस पे आएगा, ये आपको पहचान कर लेनी है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट -7 0, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर जीरो आ रहा है तो इसकी कहाँ लाई करेगा ये, जैसे अभी मैंने बताया ना दूसरे नंबर पर जीरो है तो ये कहाँ लाई करेगा, ये आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये ऑप्शन कौन सा रहेगा, अच्छा इसमें थोड़ा जो ऑप्शन है दूसरे तरीके से दे रखा है, इसमें दे रखा है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ से एक बार, इसको बना लेते हैं जैसे मैंने ये बना लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ से ये पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनेगा ये, यहाँ पे ये माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे होंगे। तो ये -7 यहाँ पे जाएगा, ये -7, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, -7 और ये जीरो पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो है तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हो गया तो -7 आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ लाएगा, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये है ना, तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है। तो और ये वाई एक्सिस है तो इस पर तो होगा नहीं, तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज MCQs ऑफ चैप्टर 3, आपको थर्ड चैप्टर के MCQs हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं। और स्टूडेंट्स आपके यूनिट टेस्ट में आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आएगा, इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।